नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बालाकोट में एक बार फिर से आतंकी घटना हुई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारतीय सैनिकों पर अटैक किया है, पीठ पीछे हमला किया है, जिसमें भारत का एक जवान शहीद हो गया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर के तरकुंडी इलाके में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इस सीज फायर के उल्लंघन के बाद पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में बीएसएफ के एएसआई शहीद हो गए हैं। बीएसएफ के एएसआई शहीद हो गए हैं पाकिस्तान के इस हमले के बाद। यह हमला जो है पीछे से हुआ है, और जो वार हुआ है उसके बाद भारतीय सैनिक ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देने के बाद उधर से भी लोगों की मारे जाने की पुष्टि हुई है। सूत्रों से जो खबर मिली है वो खबर यही हुई है कि लड़ाई अभी जारी है, और ख़ास तौर से बालाकोट में जो एक तरीके से एक सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुआ था, उसका ये परिणाम है कि ये अभी भी शांत बैठ नहीं रहे हैं, और शायद दूसरा एक बार और एयर स्ट्राइक की जरूरत है। और ये पाकिस्तान शांति से बैठने वाला देश नहीं है, इसे हर वक्त इसकी ही भाषा में जवाब देना पड़ता है, तभी जाके ये शांत बैठता है। एक बार फिर से एयर स्ट्राइक होगी तो शायद इसको समझ में आए कि नहीं, इनसे लड़ना गड़बड़ है, या यूं कहें कि जो बार बार मार खाने की इसकी आदत है, ये भी उसी से ही शांत होगा। आपको बता दें, जिस तरीके से बालाकोट में आज हुआ, जबरदस्ती हुआ और एक स्ट्राइक हो गई, आतंकवादियों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के सैनिकों को, हम आतंकवादी ही कहेंगे क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो आतंकवाद के ही रास्ते पर हैं, और पाकिस्तान खुद आतंकवाद के रास्ते में है। आज पूरे विश्व में पाकिस्तान पे प्रतिबंध लग रहे हैं, वजह यही है कि वो सरहद पे शांति नहीं चाहता है, वो सरहद पे हमेशा अशांति चाहता है। आज के 2-3 दिन पहले ही एक और आतंकी घटना हुआ था जिसमें हमारे 2 सेना के जवान शहीद हो गए थे, और उसमें 2 आतंकवादी पकड़ाए भी गए थे और 4 आतंकवादियों को ठोका भी गया था उसके 4 दिन पहले। यानी कि वहाँ पे शांति है ही नहीं, वहाँ पे लगातार पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियाँ करता रहता है जिससे भारत और पाकिस्तान का सरहद अशांत बना रहता है। वहीं कश्मीर में कुछ लोग संरक्षण दे रहे हैं इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को, इन गिरोहों को, जिसकी वजह से भी ये घटनाएँ कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ रही है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के आज बालाकोट सेक्टर में फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से बीएसएफ के एएसआई शहीद हो गए। और ये एक पूरे परिवार के लिए शोक की बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार निर्दोष, या यूँ कहें कि हमारे सैनिक जो कभी भी आगे से कार्रवाई नहीं करते, उनके ऊपर ये कार्रवाई करते हैं और मजबूर करते हैं स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। और जाहिर सी बात है, भारतीय सेना शांत नहीं रहने वाली है, जवाब देगी, माकूल जवाब देगी पाकिस्तान को, लेकिन समय के साथ देगी। और अब जो समय है चल रहा है, उसकी मांग यही है कि पाकिस्तान को अब जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान, जिसकी स्थिति यह है कि सऊदी अरब खुद उसका मित्र कभी हुआ करता था, उसने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी। आज यूरोपियन कंट्री उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही हैं, और पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सैनिक तो पहले से ही नाराज चल रहे हैं। भारतीय सैनिक पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, लेकिन इनकी तरह गंदी चाल नहीं चलेंगे, इनकी तरह पीठ पीछे वार नहीं करेंगे। भारतीय सेना खुल के वार करती है, और जिस दिन स्ट्राइक करेगी तो सरहद पार जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आएगी, एयर स्ट्राइक करके आएगी। पीओके मेन टारगेट पीओके है, और पीओके पर हमला होके रहेगा। पीओके में जो आतंकियों का गढ़ है, उस पर एक बार हमला हो चुका है और फिर से हमला होने की आवश्यकता है। खासतौर से बालाकोट, जिस पे जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुआ था, और बालाकोट बहुत, मतलब कि एक कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर जगह है, जहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी गतिविधियाँ करता है उससे वहाँ पे सैनिक आए दिन मारे जाते रहते हैं, शहीद होते रहते हैं। लेकिन भारतीय सैनिकों की जाबाजी यही है कि वो फिर भी वहाँ सीना तान के खड़े रहते हैं और लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सामने से कभी भी पाकिस्तान वार नहीं करता, पाकिस्तान हमेशा पीठ पीछे वार करता है, और यही वह वजह है कि आए दिन एक दो हमारे सैनिक मारे जाते रहते हैं। फिलहाल भारतीय सेना ने, सूत्रों के हवाले से पता चला है, भारतीय सेना ने पूरी रणनीति बना ली है पाकिस्तान पे अटैक करने की, और
कब अचानक से आपके पास तक खबर आ सकती है कि भारतीय सैनिकों ने अटैक किया है और इस अटैक के बाद इनको उसकी औकात याद आएगी और पाकिस्तान के सैनिक कितने मारे जाएं इसको कोई फर्क नहीं। दरअसल पाकिस्तान में तानाशाही है, पाकिस्तान को पता नहीं है कि क्या होती है सैनिकों की हत्या या सैनिकों की शहादत क्या होती है, उसका दर्द पाकिस्तान को नहीं पता है। वहाँ की आम जनता भी परेशान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से। वहाँ की आम जनता को नहीं पता है कि इस देश में लोकतंत्र है या तानाशाही बचा है, तानाशाही ही बचा है। मीडिया की स्वतंत्रता नहीं रह गई है पाकिस्तान में, सैनिकों का ही चलता है, जिसकी वजह से आए दिन पूरे विश्व में पाकिस्तान को नंगा किया जाता है। उसके बावजूद पाकिस्तान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान खुलकर फ्रांस में हुए आतंकी घटनाओं का समर्थन करता है, 26/11 घटना जो भारत में हुई उसके आतंकवादियों को संरक्षण देता है और देश में और भी बहुत सारे विश्व के तमाम आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान शामिल रहता है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए ही है। यानी कि उस राष्ट्र में अब लोकतंत्र नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। फिलहाल देश की सेना ने रणनीति बना लिया है, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री ने रणनीति बना लिया है और उस पर लगातार चर्चा हो रहा है और उस चर्चा का परिणाम आप सबको देखने को मिल सकता है। आप सब हमारी सेना की शहादत पे एक बार नमन जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। जरूरी है जय हिंद इसलिए क्योंकि जो सैनिक हमारे लिए लड़ते हैं, जो सैनिक हमारे लिए सरहद पे खड़े रहते हैं, जो सैनिक इस प्रचंड ठंडी में भी ऊंचाइयों पर रहते हैं और ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां का तापमान हमेशा माइनस में होता है, माइनस डिग्री सेल्सियस में होता है, ऐसे जगहों पर रहने वाले हमारे सैनिकों की शहादत को नमन कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सेना का जो जवान शहीद हुआ है उसके परिवार में जो दुख है, जो कष्ट है, उसको महसूस कीजिए क्योंकि यही हमारे देश की मजबूती और हमारे देश की एकता और अखंडता की बात है। पड़ोसी मुल्क आए दिन पीठ पीछे वार करता रहेगा लेकिन हमारी सेना डट के उसको जवाब देती है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अपने आप को मजबूत राष्ट्र करने वाला चीन हो, चीन को भी हमारी सेना जवाब देती रहती है। ये बात सही है कि इस जवाब देने के दौरान चालबाजी के चक्कर के उनकी चालबाजी या उनके षड्यंत्र के कारण हमारे आए दिन एक दो सैनिक शहीद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, ये संख्या पाकिस्तान में इसकी 4-5 गुना ज़्यादा ही रहती है। अगर हमारा एक सैनिक मारा गया है तो पाकिस्तान में समझ लीजिए कि 5 सैनिक मारे गए होंगे, क्योंकि एक तरफा वार नहीं होता है। अगर उधर से फायरिंग हुई तो इधर से डबल शक्ति के साथ फायरिंग होती है, जिसका आंकड़ा आप सबके पास नहीं आ पाता है, लेकिन ये बात सही है क्योंकि पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों की मृत्यु या शहादत को सबके सामने नहीं करती क्योंकि उसकी बुरी हार होती है और वो बेइज्जती नहीं सह पाती है। वहाँ की आवाम में विरोध उठ जाएगा कि पाकिस्तानी सेना मारी जा रही है, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं दिखाती है कि पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। फिलहाल भारत के वीर जवानों को शहादत दीजिए और आगे जारी रहेगा और उम्मीद करिए कि भारत किसी न किसी दिन पाकिस्तान को उसको ऐसा जवाब देगा कि वो दोबारा ऐसी कार्रवाई करने में 4-10 बार सोचना पड़ेगा उसको। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे।